नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। बात करते हैं राजसमंद की आज प्रमुख खबरों की। मार्बल ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज के लिए सुनहरा अवसर। रिको द्वारा मार्बल ग्रेनाइट व इंजीनियरिंग उद्योगों हेतु रिको एरिया बग्गड़ में 47 भूखंडों की ई बिडिंग के माध्यम से नीलामी की जा रही है। आवेदन की अंतिम तिथि 16 फरवरी, नीलामी 17 से 19 फरवरी तक। इच्छुक उद्योगपति तुरंत संपर्क करें। राजसमंद जिले के रेलमुंगरा उपखंड मुख्यालय पर रेलमुंगरा खेल कुंभ के दूसरे दिन विभिन्न रोचक मुकाबले हुए, जिसमें खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। दूसरे दिन रस्साकसी प्रतियोगिता में गवाड़ी व कोटड़ी के बीच खेला गया, जिसमें गवाड़ी विजयी रहा। इसी तरह मेंदुरिया व पिपलिया हिरान के बीच मैच में मेंदुरिया, पनौतिया व चौकड़ी के बीच हुए खेल में चौकड़ी जवासिया व पिपलिया डोडियान के खेल में पिपली डोडियान विजयी रहा, तथा लापसिया व पचमता के बीच हुए मैच में लापसिया विजयी रहा, जबकि सकरावास व बामनिया कला में हुए मुकाबले में बामनिया कवल्ला अव्वल रहा, तथा रेलमगरा और जीतावास के बीच हुए मैच में रेलमगरा विजयी रहे। इसी तरह वॉलीबॉल प्रतियोगिता में जीतावास व काबरा के बीच हुआ, जिसमें जीतावास विजयी रहा, जबकि पनौतिया व रेलमगरा के बीच हुए मुकाबले में रेलमगरा विजयी रहा। कबड्डी प्रतियोगिता की बात करें तो जवासिया व सकरावास में जवासिया विजय रहा, जबकि कुरज व धनेरियागढ़ के बीच हुए मैच में धनेरियागढ़ टीम विजय रही। कोटड़ा व ओड़ा में मुकाबला हुआ, जिसमें कोटड़ी विजय रहा, जबकि सांसेरा व राजपुरा के बीच हुए मुकाबले में राजपुरा विजय रहा। मेंदुरिया व सादड़ी के बीच मुकाबले में सादड़ी, तथा खड़बामड़िया व धनेरियागढ़ की टीम के बीच हुए मुकाबले में धनेरियागढ़ टीम विजयी रही। महिला में गिलुंड व गवाड़ी में गिलुंड विजय रहा। रेलमगरा व मेंदुरिया में मेंदुरिया व कोटड़ी तथा बामनिया कला के बीच हुए मुकाबले में बामनिया कला टीम विजयी रही। इसी अवसर पर उपखंड अधिकारी मनसुख डामोर, पुलिस उपाधीक्षक छगन पुरोहित, विकास अधिकारी भंवरलाल विश्नोई, तहसीलदार ईश्वरलाल खटीक, शारीरिक शिक्षक ईश्वर सिंह राव, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी शिव कुमार व्यास, जिला खेल अधिकारी चांद खान पठान, विश्वास संस्थान के निदेशक शेखर कुमार सहित कई क्षेत्रीय पदाधिकारी, कार्मिक व शिक्षकगण मौजूद थे। खेल कुंभ के उद्घाटन समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी एवं खेल मंत्री अशोक चांदना क्या बोले, सुने उन्हीं की जुबानी। नौकरी मिलेगी, यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पदक मिलेगा तो राजपत्रित अधिकारी बनेगा, और स्टेट लेवल का यदि पदक प्राप्त करेगा तो उसके अनुरूप उसको नौकरी मिलेगी। यह पहला प्रयास है जिस प्रयास के माध्यम से नौजवान पीढ़ी के बच्चों को खेल का महत्व समझाने के लिए हमारे खेल मंत्री जी ने और अशोक गजी गलो जी मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया। और मेरे मन में भी कल्पना है कि आने वाले समय में जिस खेल कुंभ के माध्यम से हमारे पंचायत के अलग अलग नौजवान साथियों को खेलने का मौका मिल रहा है, वह भी राज्य सरकार की इस नीति का लाभ उठाकर सरकारी नौकरी में अपना स्थान बनाए। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और मैं आशा करता हूं कि इसका हम लाभ उठा पाएंगे। मुझे ये भी जानकर प्रसन्नता है कि रेल मगरा की हमारी एक बच्ची भावना जाट ओलंपिक में भाग ले रही है। हम सब उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ओलंपिक का पद प्राप्त करके आए, हमारे देश का नाम रोशन करें, हमारी पंचायत का नाम रोशन करें और उनके परिवार का नाम रोशन करें। हम बहुत ज़्यादा मदद तो उनकी नहीं कर सकते हैं, पर मैंने चर्चा की अपने साथियों के साथ और मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ, उस बच्ची के ट्रेनिंग के लिए, उनके और कुछ व्यवस्था करने के लिए उनको अच्छा न्यूट्रिएंट मिल सके, इसके लिए 51,000 रुपये की राशि मैं अपने सहयोग से उस बच्ची को आगे बढ़ने के लिए देंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में हमारी सबकी दुआओं से देश का नाम रोशन करेगी और ओलंपिक में पद प्राप्त करेगी। मैं कई जगह कहता हूं और आज फिर उसको दोहराना चाहता हूं, जब मैं खेल मंत्री बना तो मुझे बचपन की एक बात याद आ गई। हम लोग खेलने मैदान पर जाया करते थे, हमारे माता पिता हमको रोकते, वो रोक कर कहते थे कि खेलोगे तो खराब हो जाओगे, पढ़ लो लिख लो, कोई तहसीलदार बन जाओगे, कोई SDM बन जाओगे, कोई डिप्टी में नंबर आ जाएगा तो तुम्हारा भविष्य बन जाए। और बहुत पुरानी कहावत थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे
बनोगे खराब। ये बहुत पुरानी कहावत, लेकिन अब नई कहावत है। ये नया राजस्थान है और नया जमाना हमारे सामने खड़ा हुआ है। खिलाड़ियों का भविष्य हमारे सामने खड़ा हुआ है। खेल प्रेमियों की उत्सुकता देखते ही बनती है। तो नई कहावत है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। और आप और हम देख रहे हैं किस प्रकार से देश में खेलों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। इसी घड़ी के अंदर राजस्थान सरकार ने खिलाड़ी बच्चों के भविष्य के लिए, ताकि जो बच्चे खेल के मैदान पर जाना चाहते हैं, सभी लोग पढ़ने लिखने में 90% वाले नहीं होते, कोई आर्टिस्ट होते हैं, कोई कलाकार होते हैं, कोई एक्टर्स होते हैं, कुछ खिलाड़ी होते हैं, उनके अंदर से खेल आता है, जिनको मन करता है खेलने का, मैदान पर जाने का। मेरे जैसे बच्चे जिनको किताब देखते ही नींद आ जाती है, मैं उन बच्चों की बात। आने वाले समय में मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये दो पॉलिसी जो राजस्थान सरकार ने खिलाड़ियों के लिए बनाई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर विशेष जोर दिया, कोई भी माता पिता अपने बच्चों को खेलने से रोकेंगे नहीं, मैदान पर जाने से रोकेंगे नहीं। जो बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल मेडल लेंगे, उन्हों बिना वैकेंसी के, यदि उनकी एजुकेशन की क्वालिफिकेशन भी कम है, उनकी चाहे कोई भी जाति है, वो किसी भी इलाके से आते हैं, किसी भी कैटेगरी में आते हैं, यदि उनका ग्राम पंचायत के अंदर वो वोट बना। राजस्व मंत्री रहते हुए जब मैं पटवार घरों की स्थिति देखी, तो मैं वही जो सोच और शुरुआत जिसकी नींव सी पी जोशी जी ने राजीव गांधी सेवा केंद्र के रूप में रखी, उसी को आगे बढ़ाते हुए मेरी सोच कि पटवार घर भी उसी केंद्र के अंदर पहले मंजिल पर बनना चाहिए। सी पी जोशी जी ने जो एक चिंता जाहिर करी कि गोचर भूमि के ऊपर खेल मैदान की हम लोगों को अनुमति देने चाहिए, तो मैं ये बताते हुए मुझे हर्ष है कि सी पी जोशी जी, हम लोगों ने ये पिछले दिनों के अंदर नियमों में संशोधन करके ये फैसला कर लिया है, जिससे आने वाले समय के अंदर ग्रामीण इलाके के अंदर जो खेल है उसको प्रोत्साहन मिले, अवसर मिले। हैवानियत की हदें पार, मासूम पर थर्ड डिग्री टॉर्चर। राजसमंद जिले में भीम के पिलाडोल की खौफनाक घटना। मासूम बच्ची को माता पिता ने तंगहाली के चलते भीम के पिलाडोल में रहने वाले रिश्तेदार के घर छोड़ दिया। रिश्तेदार उस मासूम बच्ची से काम करवाते और अमानवीय बर्ताव करते, सिगरेट व गर्म सलाखों से दागते, रस्सी से उल्टा लटका कर उसे पीटते थे। यही नहीं, हैवान दंपति ने मासूम बच्ची के पूरे शरीर को दांतों से नोच डाला। प्रथम दृष्टया बाल कल्याण समिति अध्यक्ष भावना पालीवाल ने बताया कि 7 वर्षीय बच्ची का पालन पोषण करने के लिए माता पिता अक्षम थे, इसलिए बच्ची को रिश्तेदारों के घर छोड़ दिया, जो उससे घर का काम करवाते और उसके बदले खाना देते थे। काम में कोई गलती हो जाती तो दंपति उसे जानवरों से भी बदतर व्यवहार करते। हैवानियत का यह सनसनीखेज मामला राजसमंद जिले के भीम कस्बे के पिलाडोल का है। ग्रामीणों की सूचना पर चाइल्डलाइन टीम ने भीम के पिलाडोल पहुंचकर बच्ची को हैवान दंपति से मुक्त करवाया, जिसका आरके जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाया और उपचार करवाया गया। साथ ही उसे चाइल्डलाइन टीम की देखरेख में रखा गया है। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष भावना पालीवाल ने बताया कि गंभीर मामला होने के बावजूद भीम थाना पुलिस की प्रवृत्ति टालम टोल की रही, जो बहुत ही खेदजनक है। फिलहाल पुलिस ने पिलाडोल में मासूम बच्ची के साथ अमानवीय बर्ताव करने वाले दंपति को गिरफ्तार कर लिया। रिश्तेदार थे बच्ची से, वो काम कराते थे वहाँ पर, जैसे झाड़ू लगवाना, पोछे फिरवाना, और अपने वहाँ पर दूर तो हेडपम्प, उस हेडपम्प से उसको पानी भरवाना, घर का सारा काम कराते। उसके बावजूद भी बच्ची से अगर कोई भी गलती या कुछ भी हो जाती थी तो वो बच्ची को ना टॉर्चर करते थे। उस टॉर्चर के अंदर इन्होंने प्राइवेट पार्क के अंदर भी मिर्ची डाली है। और बच्ची से हमने जो पूछा कि बेटा ऐसा क्यों करते थे, बोलते ये मेरे को टॉर्चर करते थे, खाना भी मुझे नहीं देते थे और मिर्ची डाल देते, तब मैं ये कहती थी मेरी मिर्ची मत डालो, मेरे बहुत जलन हो रही, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। इस तरह से ना इन लोगों ने इस बच्ची के साथ बहुत ही कुर्ता व्यवहार किया है पूरा। और सबसे बड़ी बात ये, मैंने इतना मतलब होने के बावजूद बच्ची को थाने में
कम से कम दिन में 2 बजे से लेकर रात को बच्ची 10 बजे तक थाने के चक्कर काटते रही। और हमारी जो ये चाइल्डलाइन जो टीम वहाँ पे थी, इसको भी है ना पुलिस वालों ने मतलब कोई तवज्जो नहीं दिया। ये लोग बच्ची को लेके घूमते रहे और वहाँ पे बच्ची का मेडिकल कराया, उसके बाद बच्ची के FIR दर्ज करने में भी हमको इतनी दिक्कत आई कि ना हमको यहाँ से ना मतलब फ़ोन करना पड़ा और यहाँ से सारी कार्रवाई हमको यहाँ से करवानी पड़ी। उसके बाद बच्ची की जो स्थिति है, पुलिस जो है इसमें बिल्कुल संवेदनशील नहीं है बिल्कुल भी, और नहीं है ना बच्ची को ना मतलब उसके जो परिवार के सदस्यों को भी सूचना दी, कुछ भी नहीं है। बच्चे का जो परिवार है वो सूरत रहता है और बहुत गरीब परिवार से है बच्चे का जो परिवार है। राजसमंद शहर के सिंचाई उद्यान परिसर में झूला झूलते वक्त 13 वर्षीय किशोरी की दर्दनाक मौत हो गई। कांकरोली थाने के ASI राकेश सिंह ने बताया कि वासोल निवासी ममता पुत्री रतनलाल बील एक दर्जन से ज़्यादा अन्य बच्चों के साथ सिंचाई उद्यान परिसर में फैमिली झूले में झूला झूल रही थी। तभी झूला देने लगी और झूला देते वक्त उसका पैर फिसलने से झूले के नीचे चला गया और इस कारण झूले की टक्कर से उसके गर्दन में गंभीर चोट आई। बाद में उसे तत्काल वहां मौजूद लोग सपास ही कमला नेहरू चिकित्सालय ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तब सूचना पर परिजन भी मौके पर पहुंच गए और परिजन तत्काल उसे RK जिला चिकित्सालय ले गए, जहां भी उसे मृत घोषित कर दिया और बाद में मुर्दा घर में सबको रखवा दिया गया। ये एरिकेशन पाल पे ये घटना, जो 7-8 बच्चे झूल रहे थे, तो ये बच्ची झूला दे रही तो उसको एकदम जोर से झूला लगा, इसका पग फिसल गया और इस नीचे घुस गई, जिसकी गर्दन टूट गई। तो ये तो है ये अभी का आज का हादसा। उससे पहले 3 हादसे और हुए, तो एक बच्ची जैसे ऐसे वो ऐसी झूल रही तो उसका भी पैर फंस गया अंदर से, जो उसका पग टूट गया। ठीक है, उससे पहले एक बच्चा और था जो उसका भी ऐसे ही हुआ हादसा, तो उसका वो ऐसे लगी तो आँख फूट गई उसकी आँख। और तीसरा ये, चौथा ये है कि उससे पहले भी और ऐसे ही हुआ, तो उसका पग फिर अंदर फंस गए, तो हम पाना ला के चौपाटी जाके पाना ला के वापिस उसको निकाला, बोल्ट खोल खुला है। 8 बजे बटे खेल रहा झूला में झूल रहा है, तो झूलता झूलता ये हिंदो दे रही सॉरी ना एकदम पग रपटी जो ना जाई पड़ी ना गर्दन में लगी कि मर गई। अरे एरिकेशन पाल पे झूलो सही नहीं है, टूट फूट फे रही है जमीन में, बेकार गलत झूलो नहीं लगाना, इसको हटा दो, ये सुला सही नहीं है। मैंने बच्चा बच्ची मरे तो ये कई फायदा रहे लिए, मतलब मारने के लिए लगा रखा है कि इनको सही खेल पा रहा लगा रखा। एडुकेशन के पार पर सुश्री ममता डॉक्टर ऑफ रतनलाल जी की बच्ची, जिसकी उम्र करीब 13-14 साल है, इसके साथ 2-4 बच्चे और थे जो कहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट झूल रहे थे, उसमें कहीं एक्सीडेंट गिर के कहीं डेथ हो गई है इसकी, जांच जारी है इसकी, पोस्टमार्टम करा रहा हूँ फिलहाल, तो बाकी जो सत्य होगा वो सामने आ जाएगा। ठीक, इसी तरह राजसमंद की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल जयवर्धन न्यूज़।